नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल तैयारी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। साथियों, एमपीपीएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित एक राहत देने वाली खबर निकल कर आ रही है चुनाव आयोग से संबंधित। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, एमपीपीएससी ने विगत दिनों चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा था जिसमें उसने अनुमति मांगी थी एमपीपीएससी से संबंधित जो भर्ती परीक्षाएं उनका परिणाम घोषित करने के संबंध में, जो कि विभिन्न परीक्षा परिणामों के रिजल्ट रुके हुए हैं, उसके लिए एक औपचारिक रूप से अनुमति पत्र भेजा गया था चुनाव आयोग को, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी है और सामान्य प्रशासन विभाग को ये प्रस्ताव भेजा गया है। तो उम्मीद है कि जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के द्वारा पीएससी को औपचारिक रूप से अनुमति दी जाएगी और किसी भी दिन रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस संदर्भ में आपका एमपीपीएससी मेंस 2022 का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। एडीपीओ की जो भर्ती थी 2021 में हुई थी, जिसमें लगभग 223 पद थे, उसका रिजल्ट भी आ सकता है। वैसे हम जानते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या एमपीपीएससी, इन पर रिजल्ट्स की रोक के लिए पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी एमपीपीएससी किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था, इसके लिए उसने एक अनुमति के माध्यम से ये रास्ता क्लियर किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपकी जो आगामी जो रिजल्ट्स रुके हुए हैं बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।